बॉलीवुड में जहां पर बड़े सितारों से सजी महफिल में अवार्ड का आयोजन होता है, तो मुंबई के अंधेरी में बॉलीवुड लीजेंड अवार्ड का आयोजन बड़े ही सादगी तरीके से कृष्णराज चौधरी ने किया। इस अवार्ड की खासियत यह रही कि यहां पर बड़े कलाकारों को अवार्ड दिया गया, तो फिल्म इंडस्ट्री के नए कलाकारों को भी उनका हौसला बढ़ाने के लिए अवार्ड दिया गया। इस अवार्ड की बात करें तो देश विदेश में तकरीबन 2000 से अधिक लाइव शो करने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस मशहूर क्लासिकल डांसर शिरीन फरीद को बॉलीवुड लीजेंड अवार्ड मशहूर एस्ट्रोलॉजर अटलांटा कश्यप के हाथों दिया गया। इस दौरान शिरीन फरीद ने परफॉर्मेंस भी किया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। आपको बता दें कि शिरीन फरीद को अभी तक उनकी परफॉर्मेंस के लिए 2 दर्जन से ज्यादा अवार्ड मिल चुका है। तो बॉलीवुड लीजेंड अवार्ड की बात करें तो एक्टर अली खान, म्यूजिक डायरेक्टर दिलीप सेन पद्मश्री से सम्मानित सोमा घोष, एक्ट्रेस सुजाता मेहता, मशहूर मेकअप आर्टिस्ट देव सोनिया को बॉलीवुड लीजेंड अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो वही दर्जनों नए कलाकारों को भी अवार्ड देकर उनका हौसला बढ़ाया गया। इस पर देखिए खबर इंडिया की ये खास कवरेज। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कृष्णा चौहान जी का, इनकी पूरी टीम का, शब्बीर भाई का, अजहर का, इन सब ने मेरे नाम का सुझाव दिया। और देखिए इंडस्ट्री में तो मैं बहुत ज़माने से हूँ, बहुत सारी फिल्मों में काम किया, 100 से 125 फिल्मों में एज ए विलन काम किया। खुदा गवाह से मेरी शुरुआत हुई थी सरफरोश, कोहराम, मातू ये सलाम, इंडियन, अली बाबा 40 चोर। और फिल्मों के साथ साथ मैं सोशल एक्टिविटीज़ में भी हूँ, और शबीर भाई भी जानते हैं बहुत सारे नेक काम में शामिल हूँ, जैसे कि कैंसर की, कैंसर जो है उसके एनजीओ की ट्रस्ट में हूँ, अभी मुझे वर्ल्ड पीस एम्बेसडर बनाया गया। तो फिल्मों के साथ साथ ये भी चलता है, मैं लोगों के लिए जितनी मदद हो सकती है वो करता हूँ, क्योंकि मैंने अपना स्ट्रगल पीरियड देखा है। बिहार से हूँ, गया से हूँ, और जिस ज़माने में हम आए थे उस ज़माने में और स्ट्रगल था, बहुत फिल्में कम बनती थी, सीरियल्स बहुत कम बनते थे। मुझे याद है कि जब हम खुदा गवाह के बाद मुझे एक सीरियल मिली थी महाभारत, जिसमें हमने यक्ष का रोल किया था, फिर टीपू सुल्तान हैदर साहब का रोल किया। तो तकरीबन हर जबान, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगू, गुजराती, मराठी, सारी लैंग्वेज में मैंने काम किया, और बस खुश हूँ इस मुंबई से, इस महाराष्ट्र से, कि मैं बिहार से आके यहाँ पे मुझे नाम शोहरत मिली। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खासकर मुंबई शहर का और यहाँ के लोगों का, जिन्होंने हम लोगों को अपनाया। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्या है, अवार्ड तो एक बहाना है, क्योंकि नए कलाकार अगर आगे नहीं आएंगे तो हम लोग तो रिटायर लाइफ में आ जाते हैं। जैसे हम दूसरे संगीतकारों के सामने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर आए, तो हमारे सामने भी तो कोई चाहिए। तो एक टाइटल अच्छा दिया लीजेंड, मैं समझता हूँ कि लीजेंड बनना है उनको, क्योंकि अभी जितनों को भी अवार्ड दिया जा रहा है उनको लीजेंड बनना है। पर ये टाइटल बड़ा प्यारा है, बॉलीवुड लीजेंड अवार्ड। और मेरी तरफ से इसके जो कृष्णा जी हैं, जो प्रोपराइटर या जो भी करने वाले और जो भी संस्था से जुड़े हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नई बात यह है कि नए साल के विषय में आप सबों को बधाइयां दे देता हूं, और एक एक ये खबर छपवा दो अखबार में, हर पोस्टर लगवा दो बाजार में, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का लड़की पागल हो गए, हाय हाय पागल हो गए प्यार में। जी हाँ, तो नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नमस्कार, थैंक यू। मैं आज के ऑडियंस के लिए यही कहना चाहूँगी कि इट वाज अ वेरी लवली ऑडियंस, और बहुत एंजॉय किया मैंने परफॉर्म करने के लिए, और काफ़ी अप्रिशिएट किया है यहाँ पे परफॉर्मेंस, सो थैंक यू सो मच। और इस अवार्ड के लिए भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो आज के इवेंट के ऑर्गेनाइज़र है कृष्णा चौहान जी का, इस अवार्ड से मुझे नवाजने के लिए। मुझे लीजेंड अवार्ड मिला है, मुझे बड़ी खुशी हुई है, एंड इट्स वेरी एनकरेजिंग एंड इंस्पायरिंग। थैंक यू वेरी मच, आई एम सुजाता मेहता, थैंक यू। मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे अवार्ड से सम्मानित किया गया, बस ये है कि काम ईमानदारी से करिए और अच्छा करिए तो ज़रूर आपको सम्मान मिलेगा। कृष्णा चौहान जी को मैं बहुत दाद दूंगी इस बात के लिए कि उन्होंने ये जो लीजेंड अवार्ड सिर्फ लीजेंड को ही नहीं दिया, आने वाले जो गुणी कलाकार है उनको हौसला बढ़ाने के लिए भी दिया। ये सोच उनकी बहुत अच्छी है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि कृष्णा जी ये पुरस्कार लोगों को देते रहे, क्योंकि पुरस्कार मिलने से ना हौसला बढ़ जाती है ज़िंदगी में। हम लोगों को तो मिलता ही रहता है, लेकिन जो आने वाले जो प्रतिभा जो है उनको जो हौसला दे रहे हैं वो ये अवार्ड के ज़रिए, वो एक बहुत बड़ी बात है।
क्योंकि कोई भी अवार्ड सजाने के लिए नहीं होता है, अवार्ड मिलने से जिम्मेदारी बढ़ती है।